कन्हैया जी, ये थोड़े से ट्रिकी सवाल हैं, थोड़े से इसमें विट आपका भी देखना होगा हमें, लेकिन जवाब एक ही दीजिएगा, बस ये हमारी रिक्वेस्ट है। अच्छा, आप लोग तैयार हैं इसके लिए? आवाज ही नहीं आ रही मुझे। सर, हमारा पहला रैपिड फायर है, जरा प्ले ऑन करिए, प्ले ऑन करिए। यहां पर पहला रैपिड फायर, कांग्रेस का दोस्त कौन है, असदुद्दीन ओवैसी या अरविंद केजरीवाल? कांग्रेस का दोस्त कौन है इसमें से? अगर दोस्त बनाने की नौबत आई तो कौन होगा सर? नहीं, नौबत 140 करोड़ लोग जो इस देश में रहते हैं सब कांग्रेस के दोस्त हैं। दोनों दोस्त हो सकते हैं? नहीं, देखिए आप यही, आप तो पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं ना, आपसे हम ये सवाल पूछे हैं कि आपके घर वाले ने आपको पागल कहना बंद कर दीजिए, हाँ और ना में जवाब दीजिए, क्या जवाब दीजिएगा? ठीक है, सवाल मेरा दूसरा सवाल, दूरदर्शी नेता कौन है, सीधे आइए जरा, दूरदर्शी नेता कौन है, राहुल गांधी या डी राजा? सर दोनों दूरदर्शी नेता हैं। आप दोनों को निजी राय बोल रहे हैं? दोनों, हाँ दोनों दूरदर्शी नेता हैं। दोनों, ठीक है, ओके। कोई एक अगर इनमें से चूज करना हो तो? नहीं, जब दोनों का ऑप्शन है दोनों चूज कर लेंगे सर। ओके, हमारा तीसरा सवाल है, जरा प्ले ऑन करिए इसको। तीसरा सवाल जो है वो ये है कि बेहतर मुख्यमंत्री कौन, अशोक गहलोत जी या पी विजयन? सर इसमें एक ही बोलना होगा आपको, राजस्थान के लिए अशोक गहलोत जी और केरल के लिए पी विजयन। ठीक है, अब आइए जरा हमारा जो एक और सवाल है रैपिड फायर का, सर प्ले ऑन करिए। बिहार का भविष्य कौन, कन्हैया कुमार या तेजस्वी यादव? बिहार, ठीक है, तो फिर तो जो है चलते हैं कपिल शर्मा के शो में। ठीक है, बिहार का भविष्य कौन है? बिहार का भविष्य, बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं वो हैं, व्यक्ति भविष्य नहीं हो सकता है, कभी भी विचार हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा जी। और जवाब वैसे जवाब हम सबका दे रहे हैं सर। हाँ, वैसे सबका दे रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं चूज कर रहे हैं आप। चलिए आइए, अब सवाल है बेहतर वक्ता कौन, संबित पात्रा या कन्हैया कुमार? संबित पात्रा। आप कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, अगला सवाल। उसमें तो इसमें से भी तीन लोग कहेंगे क्या सर? सर ये गलत बात है, जवाब देता हूँ मैं सर, जवाब देना है, जवाब लूंगा, साथ में लेके चलते हैं, घर छोड़ के नहीं आते। पर्सनल पता है, पर्सनल सर, पर्सनल नहीं होना है, कन्हैया जी की बात हो रही है, पर्सनल नहीं होना है। आइए, और आदत है मेरे पास सर, एक और सवाल है, आइए चेंज करिए। आदर्श विचारधारा क्या है, आदर्श विचारधारा क्या है, महात्मा गांधी जी की या कार्ल मार्क्स जी की? दोनों, कोई एक तो बताइए आप। दोनों, उस मतलब मैंने जो है जोशी गांधी पत्राचार पढ़ा है, हमारी यूनिवर्सिटी में जो है पीसी जोशी आर्काइव्स है। आप भी अगर दोनों महात्मा गांधी और पीसी जोशी के बीच के जो पत्राचार हुए हैं, जो लेटर क्रॉस्पॉन्डेंस हैं, उसको पढ़ेंगे तो आप भी कहेंगे दोनों। ठीक है,